अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर समझाए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिफाइन द कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। देखिए बेटा, ये लेक्चर बहुत अहम है और जो टॉपिक भी बहुत अहम है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपने सुनना है। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी ये चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ठीक हो गया बेटा? तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल, मॉडल का मतलब होता है एक नमूना, एक ऐसी तस्वीर जो हमें बना के दिखा दी जाए जिसके मुताबिक हम उसको लेके चलें। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास है द इंटरनेट यूज द लेयर कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए बेटा, ये जो आपके पास एक वर्ड जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, TCP/IP, ये हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसका नाम जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब मैं आपको एक समझा चुका हूँ कि ये एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसके जरिए हम सेंडर टू रिसीवर डाटा ट्रांसमिट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, ये हमारे पास 5 लेयर पर डिपेंड करता है। कितनी लेयर्स? 5 लेयर्स। बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता जाओ कि एक सेंडर जब अपना डाटा ट्रांसमिट करता है, सेंड करता है, तो रिसीवर तक पहुँचने के लिए उसको 5 लेयर्स से गुजरना होगा। यानी कि आपने अगर किसी को मैसेज किया तो वो मैसेज 5 स्टेजेस से गुजर कर रिसीवर तक पहुँचेगा। ठीक है? यानी कि अगर आप मैसेज करते हैं, आपके मोबाइल से जब मैसेज निकलता है तो आपके कज़न के मोबाइल तक पहुंचने में उनको 5 स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। पहला स्टेप आपकी स्क्रीन पर है, एप्लीकेशन लेयर। ये हम डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। जी जी बेटा, तो एक लेयर हमने डिस्कस कर ली, सेकंड लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो टोटल बेटा हमारे पास 5 लेयर्स हैं एक डेटे को कम्युनिकेट करवाने के लिए, कि सेंडर टू रिसीवर। अब हम सबसे पहले लेयर को डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम है, बेटा गौर से समझना है, आई रिपीट अगेन, डिफाइन एप्लीकेशन लेयर। ये बहुत अहम टॉपिक है। एप्लीकेशन लेयर क्या है? एप्लीकेशन का मतलब होता है काम। व्हाइल चैटिंग यू आर कनेक्टेड ओनली अबाउट द मैसेज विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क। बेटा ये डेफिनेशन बहुत गौर से समझनी है। कहता है कि जब हम चैटिंग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, मैसेज लिख रहे होते हैं, तो उस मैसेज की राइटिंग के अंदर हमारा ये कोई अमल दखल नहीं है। नो आइडिया कि हम कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवर्क हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर का उसमें कोई कंसर्न नहीं है। एप्लीकेशन लेयर का सिर्फ काम है चैटिंग कनेक्टेड, कंसर्न ओनली अबाउट द मैसेज, क्या पैगाम क्या लिख रहे हैं। ठीक है? ये नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर का काम है कि हम मैसेज क्या टाइप कर रहे हैं। ठीक हो गया? अब उसमें चाहे हम वायरलेस यूज करें, वायर्ड, दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर। कहता है एप्लीकेशन लेयर की, अब मैं एक डेफिनेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एप्लीकेशन लेयर इज नॉट कंसर्न विद एनी नेटवर्क। आप कोई भी नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, वो वायरलेस भी हो सकता है और थ्रू अ वायर भी हो सकता है। ठीक है? एप्लीकेशन लेयर का कंसर्न है ओनली अ मैसेज। क्या आप मैसेज क्या लिख रहे हैं, मैसेज क्या टाइप कर रहे हैं, किस किस्म का मैसेज टाइप कर रहे हैं? आप ऑडियो लेक्चर दे रहे हैं, आप वीडियो दे रहे हैं, आप टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहे हैं, ये सारा काम कौन चेकआउट करता है? एप्लीकेशन लेयर। अब बेटा नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इट कंसर्न विद ओनली अ मैसेज। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट, जैसा कि बेटा आपको नाम से लग रहा है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह डाटे को ट्रांसमिट करना। देखिए, अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो आप किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट पर जाएंगे। वो जो ट्रांसपोर्ट है वो बस भी हो सकती है, वो एरोप्लेन भी हो सकता है। अगर आप बस यूज करते हैं तो बस एक ट्रांसपोर्ट लेयर का काम करेगी, जो एक क्लाइंट को एक सर्वर के साथ ज्वाइन करेगी, एक
सेंडर को एक रिसीवर के साथ ज्वाइन करेंगे। आए अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, ये सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। इट ट्राई टू सेंड द मैसेज बट इट इज देयर इज सम एरर इन द नेटवर्क, इट इन्फॉर्म द एप्लीकेशन प्रोग्राम। बेटा ये बात बहुत अहम है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम है सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कनेक्शन बनाना। बन गया। अब आपने सपोज अपने घर में वाईफाई लगाया हुआ है, आपने वाईफाई कनेक्ट कर लिया, इसका मतलब है आप इंटरनेट यानी कि सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो चुके हुए हैं। बट इट इज देयर सम एरर इन द नेटवर्क, अगर एरर आ जाता है नेटवर्क के दौरान, फॉर एग्जाम्पल आप फाइल सेंड करते हैं, तो फाइल सेंडिंग के दौरान अगर कोई इशू आ जाता है इन द नेटवर्क, तो वो जो नेटवर्क होगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म करेगा कि आपके नेटवर्क में कोई गड़बड़ है। वो कौन होगी? वो ट्रांसपोर्ट लेयर होगी। कहता है इफ द नेटवर्क इज फाइन, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो एप्लीकेशन का एतमाद बिल्कुल ओके हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, एंड दैट द मैसेज विल रीच एट द डेस्टिनेशन, तो आपका मैसेज जो है वो सक्सेसफुली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बेटा मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप सब यूज़ कर रहे हैं आप, फेसबुक भी यूज़ कर रहे हैं आप, उसमें अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को अपलोड भी करते हैं, पोस्ट भी करते हैं। अब मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक व्हाट्सएप के ऊपर अपनी एक इमेज जो है वो अपने फ्रेंड को सेंड कर दी है। अब जो इमेज होगी ना वो आपका एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर ने चेक कर लिया कि आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्म में है, वो आपका मैसेज है इमेज की फॉर्म में, जेपीजी की फॉर्म में आएगा, ठीक हो गया। अब एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम स्टार्ट हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये डिसाइड करेगी कि वो जो इमेज है वो किसको सेंड कर रहा है, जो सेंडर है उसका नेटवर्क बिल्कुल ठीक है, जो रिसीवर है क्या उसका नेटवर्क भी बिल्कुल ठीक है। सेंडर और रिसीवर का नेटवर्क अगर बिल्कुल ओके काम कर रहा है तो आपका मैसेज यानी कि जो वो आपकी पिक्चर है वो जो एप्लीकेशन लेयर है वो ट्रस्ट करेगी कि ट्रांसपोर्ट लेयर बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और वो आपकी पिक्चर को सेंड कर देगी उस आपके डेस्टिनेशन तक यानी कि आपके फ्रेंड के पास। तो ईच लेयर, एक और बात बेटा सुनते जाएं कि हर अगली जो लेयर है वो पिछली लेयर पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल इससे अगर हम पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, तो नेटवर्क लेयर इज डिपेंड अपॉन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड ट्रांसपोर्ट लेयर डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन लेयर। तो देखिए बेटा एप्लीकेशन लेयर का ट्रस्ट बिल्कुल ओके होगा तो ट्रांसलेट लेयर से हमारा डाटा ट्रांसमिट होगा। अगर नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन लेयर जो है वो कहेगी कि जी उसके में एरर जनरेट होता है, तो वी कैन नॉट जंप टू दी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेटा आपको काम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो थ्री लेयर है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि बेटा आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और थ्रू आ ई मेल थ्रू आ व्हाट्सएप आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।